ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सर दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। मिस्टर एंड मिसेस सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले हुआ संपन्न। देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। राज भाई, जो आज यहाँ पे सेमीफाइनल हो रहा है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है, और जो पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए भी आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ये कहना चाहेंगे अच्छे से वो लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें, वो पढ़ें, और जो हमारा मिस्टर मिसेज कानपुर ग्लैमर 2022 प्रोग्राम है, और हर सीजन हम लोग करा रहे हैं। 2021 में भी कराया था, अभी हाल ही में 2022 में 9 जनवरी लाजपत भवन में भी कराने जा रहे हैं। ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट आएँ, आगे बढ़ें, मौका उनको मिलता रहे। उपेन जी, जो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में बताएं। आज सेमीफिनाले का आयोजन किया गया है, जिसका भव्य रूप आप सभी लोग 9 जनवरी 2022 लाजपत भवन के प्रांगण में देखेंगे। जगह जगह छोटे छोटे ऑडिशन हम लोगों ने किए, और उन ऑडिशन में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं डांसिंग में, मॉडलिंग में, सिंगिंग में, आज उनका एक लास्ट कह सकते हैं टेस्ट था, या जिसको हम लोग सेमीफिनाले कहते हैं। अब जो प्रलय मचने वाला है वो 9 जनवरी 2022 लाजपत भवन प्रांगण में वो प्रलय मचाया जाएगा, और जो भी बच्चे इसमें हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की भूमिका में, या जिनके अंदर वास्तव में अच्छी प्रतिभाएं हैं, उनको हम लोग केवल यहीं तक ही नहीं, आगे बड़े पर्दे पर भी मौका देने जा रहे हैं, जो कि अपनी आगामी फिल्म है नो कॉलेज फॉर नॉलेज, डोमिनिक मार्टिन जी, जूनियर गोविंदा जी इसमें मुख्य रूप से हैं, भूमिका निभा रहे हैं, और इस फिल्म में उन बच्चों को भी काम दिया जाएगा, ताकि बड़े पर्दे तक ये लोग पहुँच सके और कानपुर का नाम जगह जगह रोशन कर सके। जो ये आपका फिनाले है 9 जनवरी को, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं? डोमिनिक मार्टिन जी और जूनियर गोविंदा जी, कानपुर से अपने विजय कपूर जी, हिंदू जागरण मंच से आपके पीयूष रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी से मनोज कांत मिश्रा जी, अनुभव चक जी, ये हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हैं। इसके अलावा शहर की जानी मानी हस्तियां इस दिन आपको शिरकत करते हुए यहां पर मिलेंगी। क्या कहना चाहेंगे जो पार्टिसिपेट हैं आपके यहां पे अभी, जो सिलेक्ट हुए हैं और जो नहीं सिलेक्ट हुए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए तो अभी से बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं।